ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी धारणा पर आ जाते हैं। बहुत सुंदर हमारा त्याग है, सरल, मैंपन का त्याग। सभी ध्यान देंगे जो लास्ट भी आए हैं ज्ञान में, एक साल से भी हैं, दो तीन चार पाँच, मैंपन पे गहरी नज़र डाल दें। इसका त्याग करने से तेजी से स्थिति आगे बढ़ने लगेगी। क्या क्या होता है मैंपन, बोलो, माताएं बताएं, घरों का मैंपन। मेरा घर, नहीं मेरा बाद में पूछूंगा, पहले मैं इस घर की मालकिन, मैंने ये काम किया, और बोलो, मैं ही कर सकता हूं, केवल मैं बहुत बुद्धिमान, बोलो, मैं कहाँ आता है? सेवा करने वालों में भी ज्यादा आता है, मैंने ये सेवा की, मेरा नाम हो जाए, मैंने किया, इसका क्रेडिट मुझे मिले। अब उल्टा भी मैं होता है, मैं बहुत कमजोर हूं, ये भी मैं, मेरा संस्कार ये है, ये कमजोर निराश करता है, जो निराश करता है ऐसा कमजोर मैंपन। तो हमें मुक्त होना है, क्या याद करेंगे? नहीं, एक बहुत अच्छे बाबा के शब्द हैं, मैंने उससे ही सब कुछ सीखा था। दो बातें सुना देता हूँ, एक बहुत बड़ी है, बहुत गहरी, और दूसरी ये सिंपल है, हम सब जानते हैं इसको। बाबा ने कहा, ऐसा संकल्प करो जो कुछ मेरे पास है, जिसका अभिमान आता है ना, धन मेरे पास है, परिवार मेरा बड़ा है, बच्चे अच्छे अच्छी पोस्ट पर हैं, पति कमिश्नर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, कदम कदम पे सफलता मिलती है, मैंने ये बड़े काम किए हैं। तो क्या याद करो, ये सब प्रभु देन है, ये सब प्रभु देन है। मुझे ये शब्द बहुत प्रिय लगा था, बहुत साल पहले कहा था बाबा ने, बहुत प्यारा शब्द है। जो कुछ हमारे पास आया है वो बाबा से आया है। मेहनत करने वाले बुद्धिमान लोग बहुत हैं दुनिया में, कोई हम ही थोड़ा ही हैं, करोड़ों हैं। हमसे अधिक योग्यता रखने वाले भी करोड़ों हैं, पर हमें सब कुछ किसने दिया? प्रभु देन है। बहुत ध्यान देंगे इस चीज पर, चित्त शांत होगा, एक गहरा सुख आत्मा को मिलेगा कि बाबा ने मुझे ये सब कुछ दिया है, योग्यताएं दी, सफलता दिया, नाम कराया मेरा, महिमा कराई। हमारे साथ तो ये सब बहुत है ना, हम तुरंत याद करते हैं, ये जिसने कराई उसको ही अर्पण, बहुत मजा आता है, उसका ही तो है, उसको अर्पण। प्राइवेट बात बता दूं, चलते चलते कोई मुझे लिफाफा दे देता है, मैं नहीं देखता उसमें 50 रुपये 10 हैं या 100 हैं, मेरी आदत बन गई है। बाबा स्वीकार करो इस गरीब माता का, पहुंच जाता है ऊपर, मज़ा आता है, अपने को सुख मिलता है बहुत।